गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। क्लास 12 फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा था, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था बायो सेवर्ट लॉ, जहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी, फॉर्मूला निकाला था डीवी का। सो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1 टेस्ला कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, जो कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना। सो 1 टेस्ला किसे कहते हैं? सो बाय डेफिनेशन 1 टेस्ला इज 10^7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by a conducting wire of length 1 meter and carrying current 1 ampere. At a distance of 1 meter from it and perpendicular to it. सो क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी टोटल लेंथ 1 मीटर है, जो उसमें से करंट जा रही है वो 1 एम्पियर की है, और इस कंडक्टर से 1 मीटर की लेंथ पर या डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस अमाउंट के थ्रू, ठीक है ना, इस करंट और इस लेंथ की वायर के थ्रू, जहाँ पर 1 मीटर की डिस्टेंस में जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसका 10^7 टाइम्स 1 टेस्ला कहलाता है। अब ये बात तो हमने डेफिनेशन वाइज पढ़ ली, पर कैसे हम इसको मैथमेटिकली शो करेंगे? सो मैथमेटिकली इट इज लाइक जो हमारा फॉर्मूला था, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो सारी चीजें हम रखेंगे, क्या क्या, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, आर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, सो टोटल लेंथ यहाँ पर 1 मीटर की है हमारी, तो डीएल भी हम कह सकते हैं कितना है, इज इक्वल टू 1 मीटर एंड साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि जो डीएल है इसके बीच और लेंथ आर के बीच जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। सो सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू 1। इन सभी वैल्यूज को मैं आप पुट करेंगे, सो म्यू नॉट अपॉन 4π 1 × 1 × 1 / 1 का स्क्वायर। फाइनली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 10^4π। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 10^-7, 10^-7 टेस्ला, सॉरी टेस्ला। सो दिस विल बिकम 1 टेस्ला। अब इसको हम इधर ले जाते हैं तो डिवीजन में आएगा, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1/10^-7 डीबी, दैट मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। सो दिस विल बिकम 10^7 डीबी is equal to 1 Tesla. So 1 Tesla is this. So mathematically हम इस तरह से यहाँ पर इसको डराइव कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू होती है, 1 Tesla की वैल्यू क्या होती है, क्लियर। अब हम कंपेयर करेंगे बायो सेवर्ट लॉ, जो कि हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ते हैं, और कूलम्स लॉ, जो कि हम चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ते हैं,
इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं एंड क्या डिफरेंसेस हैं, सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेट्स गो। ओके, सो अगर हम बात करें बायोट सेवर्ट लॉ का, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें, सो डी ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है दोनों का। अब सिमिलरिटीज क्या हैं, सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिमिलरिटीज कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइन मैंने बना दी, कोई बात नहीं, वन पॉइंट वाइज ले लेते हैं। सो सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज क्या हैं, ध्यान से सुनेंगे। बोथ द फील्ड्स डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, आप देख रहे होंगे आर स्क्वायर अपॉन में दोनों में, फ्रॉम द सोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स, इसमें करंट के लिए और इसमें चार्ज, ठीक है ना, फ्रॉम द सोर्स जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोथ द फील्ड डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप यहाँ पर फिगर में देखिए, दोनों फील्ड की बात कर रहे हैं, वन अपॉन आर स्क्वायर है, यानी समथिंग अपॉन आर स्क्वायर, समथिंग अपॉन आर स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स, इनकी फील्ड्स काफी लंबी होती हैं, काफी दूर तक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू द बोथ फील्ड्स, टू द बोथ फील्ड्स, करेक्ट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों जगह एप्लीकेबल होता है, जितने भी चार्जेस हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और उसी तरह से अगर हम अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाते जाएं, जैसे कि हमने पढ़ा है क्लास टेंथ में कि हम जब कॉइलिंग करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, राइट। सो ये हो गई कुछ सिमिलरिटीज, आते हैं डिफरेंसेस पर। डिफरेंसेस, सो फर्स्ट क्या है, क्या डिफरेंट होता है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स, वेक्टर सोर्स दैट इज द करंट एलिमेंट, द करंट एलिमेंट क्या होता है, आइडियल, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स। यहां पर सोर्स कौन होता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये डिफरेंस है इनमें, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी क्यू से, स्मॉल डी क्यू यहां पर है, करेक्ट। पॉइंट नंबर टू, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स
एंड द फील्ड या पॉइंट, है ना, एंड द फील्ड पॉइंट कह सकते हैं, द फील्ड पॉइंट, करेक्ट। और उसी जगह पर हमारे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन होता है, वेक्टर आर, एंड द करंट एलिमेंट, एलिमेंट दैट इज आइडियल, यहां से करंट जा रही है जिस लेंथ पे, तो इनके परपेंडिकुलर होता है, जहां पर ये दोनों होते हैं उस प्लेन से परपेंडिकुलर। ये डिफरेंस हो गया दो। थर्ड डिफरेंस क्या है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सो थर्ड डिफरेंस इज, थर्ड पॉइंट, इन बायो सावर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होता है, द साइन ऑफ एंगल, है ना, द साइन ऑफ एंगल व्हाइल द देयर इज, व्हाइल देयर इज नो सच एंगल, नो सच एंगल डिपेंडेंस इन द कूलम्स लॉ, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोपोर्शनल होता है, साइन एंगल होता है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखें जो हमारा फॉर्मूला था, ये देखिए इसमें हमारे पास साइन ऑफ थीटा भी है, इसमें ऐसा कुछ एंगल नहीं होता। तो दीज आर सम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।